दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। 10 बड़ी खबरें हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखोगे। क्यों? क्योंकि आज दो खुशखबरियां आप लोगों को इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आज सुबह के इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि पूरा आप लोग देखोगे और दो खुशखबरी बड़ी क्या क्या है वो आप लोग देख करके जाओगे। सबसे पहले आपको बता दें, वीडियो को सभी भाई बहन लाइक जरूर कर दें और जो भी भाई बहन चैनल से अपने जुड़े नहीं है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल को अपनी आल पर जरूर दबा लेना और आप लोग चैनल से जुड़ जाओगे तो ऑल इंडिया की सच्ची खबरें आपके पास ऑटोमेटिक पहुंचती रहेंगी। जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों बड़ी खबर की तरफ। देखो, सबसे पहले आपको एक बात बता दें जो कि कड़वी सच्चाई है और इस भाजपा सरकार की है। अमित बख्शी भाई हैं सिद्धार्थनगर जनपद से, उन्होंने सवाल एक किया है और बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डिजिटल इंडिया की बात करने वाली भाजपा सरकार यह बताए कि जिस देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय अंडर प्रोसेस के बाद में क्लियर होने में हफ्तों लग जाता है, वह पार्टी डिजिटल इंडिया की बात कैसे कर सकती है? सत्य सवाल है 100%। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भी जरूर दीजिए इस सवाल को लेकर के। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा है पिछले 5-6 महीनों से जब से लॉकडाउन लगा है तब से आप लोग देख रहे हो कि आंगनबाड़ी बहनों का पहली बात तो मानदेय समय पर भेजा नहीं जाता, दो दो तीन तीन महीना इंतजार करना पड़ा और जब भेजा भी जाता है तो उनका फिर 10-10 दिन 15-15 दिन बहनों को इंतजार ही करना पड़ता है। खाते में पैसा सिर्फ अंडर प्रोसेसिंग में दिखता है, वो उनके अकाउंट में पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता। तो ये आप लोगों ने कड़वी सच्चाई एक देखी है। क्या ये सब सिस्टम जो थोड़ी थोड़ी टेक्निकल खराबियां ठीक नहीं करा पा रहे हैं, डिजिटल इंडिया की ये बात करते हैं? ऐसा उनका सवाल है। अब यहां पर आप लोगों ने देखा है ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आप लोगों को बताई जाती है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, ये सब हो रहा है। अब बताओ, आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय समय पर क्लियर नहीं हो पाता, अंडर प्रोसेसिंग में 10-10, 15-15 दिन पड़ा रहता है, ऐसे भाई कैसे कब तक चलेगा? आगे बताना चाहेंगे, और भी चीजें हैं जैसे आप लोगों ने देखा पोषण अभियान की वेबसाइट, उस पर दिक्कतें आ जाती, कभी फीडिंग वाली वेबसाइट उस पर दिक्कतें आ जाती, कभी आपके ICDS कैश मोबाइल एप्लीकेशन इस पर दिक्कतें आ जाती हैं। मतलब काम करने को लेकर के कहीं ना कहीं ये टेक्निकल खराबियां चलती रहती हैं। अब इन सब चीजों पर एक बेहतर जो है यहां पर टीम सरकार को चाहिए इन पर ध्यान देने के लिए, ताकि समय पर जैसे ICDS कैश मोबाइल एप्लीकेशन है या मानदेय है, ये चीजें समय पर क्लियर होनी चाहिए। आगे देखिए, एक बड़ी खबर पहले ये देखो, उसके बाद में जो बड़ी खुशखबरी है वो वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप लोगों को मैंने कहा है ना पूरा वीडियो देख करके जाना है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाकी ये मानदेय की तो खुशखबरी है ही, लेकिन इससे बड़ी खुशखबरी है। देखिए, लिखा है भैया मेरी बैंक में रुपए वगैरह आए हैं, ये एक बहन है उन्होंने मैसेज किया है और ये देख सकते हो यहाँ पर 4563 रुपया यानी केंद्र सरकार का उनका आ गया है। 24 सितंबर को ये पैसा उनके अकाउंट में डाल दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो लिखा ये दो जो ये देखो भैया चैनल पर जरूर जो है दिखा देना प्लीज, और लिखा है भैया 1000 रुपया नहीं आए हैं, बताओ भैया क्या करें। बहन करना कुछ नहीं है, यदि आपका 4500 आ गया क्लियर हो गया ना आपके, यानी मैसेज आ गया तो समझो क्लियर हो गया, वरना अंडर प्रोसेसिंग में होता है तब मैसेज नहीं आता। तो अब अंडर प्रोसेसिंग से हट करके मैसेज आने शुरू हो गए काफी जगह, तो आंगनबाड़ी बहनों का खाता अकाउंट में आना शुरू हो गया यानी क्लियर होने लगा है। तो ये आप लोग देख सकते हो, तो ये 4563 है बहन का जो क्लियर हो गया। 1000 नहीं आया तो परेशान मत हो, वो भी आ जाएगा, आपका केंद्र का डाला गया है राज्य का नहीं। मैंने आपको पूर्व में भी कई वीडियो में बताया समझाया है बहनों कि यहां पर देखा है हमने कि कभी केंद्र का भेजा जाता है, कभी राज्य का, कभी राज्य का तो कभी केंद्र का, ये सब चीजें होती हैं। यानी साथ ही बहुत सी मुश्किल रेयर केसों में जाता है। जैसे देखो ये एक मैसेज ये आया मेरे पास, भाई हमारे यहां भी कुछ लोगों का आया है, कुछ लोगों का नहीं आया है, बहने परेशान है सोनभद्र वगैरह ओबरा से। तो देख लीजिए सोनभद्र जनपद उत्तर प्रदेश में है और यहां पर कुछ बहनों का आया है कुछ का नहीं। अब ये क्या डिजिटल इंडिया है, कुछ का भेज दो कुछ का नहीं, ये सब गलत चीजें हैं ना। तो कहेंगे ये कि कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से ये कमियां हैं जो इन पर ठीक तरीके से जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा मानदेय की पेमेंट करवाने में। तो ये देख लीजिए ये बहनों का आया 4500 रुपया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 24 सितंबर को ही क्लियर हो गया, यानी 24 सितंबर को अकाउंट में डाला गया तभी क्लियर की डेट पड़ी हुई है। आगे आपको और दिखा दें कुछ सच्चाई, जैसे
ये आपको हमने दिखाया जो है 1000 रुपए का, ये देख लीजिए 24 तारीख को 24 सितंबर को 1000 रुपए ये पड़े हैं इनके, और 4500 का भी हमने आपको दिखाया था, जैसा कि ये आप नजर दौड़ा पा रहे होंगे जो है 4500 रुपया 24 तारीख को। तो 24 तारीख क्लियर रेट सब में पढ़कर के आ रही होगी, जिसका जिसका पैसा अकाउंट में पहुंचता जाएगा उसका क्लियर हो गया होगा। बहुत से जगह हो सकता है मानदेय ही ना आया हो, क्लियर होना तो दूर की बात है, यानी अंडर प्रोसेसिंग में ही पैसा ना लगा हो। तो ये सब कमियां हैं, इनको दूर करने की सरकार को जरूरत है। एक ही जनपद में एक ही ब्लॉक पर कुछ का आ जाता है, कुछ का आता ही नहीं है, इससे डिजिटल इंडिया नहीं, से पता चलता है कि कितनी खराब पोजीशन है हमारे यहाँ देश में इस सरकार में। आगे देख आपको बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर, ये देख लीजिए आप लोग, एक मैसेज आया है, ये है भ्रष्टाचारी का जीता जाता उदाहरण, इसको देखो, उसके बाद हम आपको एक बड़ी खुशखबरी बताएंगे, वाकई में खुशखबरी है। बता दें आपको, सुधांशु भैया जी नमस्कार, हमारे यहाँ केंद्रों पर कुर्सी और टेबल आई थी, विभाग द्वारा सुपरवाइजर उनको फर्नीचर वितरित किया है, जिन्होंने 600-600 रुपया सुपरवाइजर को दिए हैं, जिन कार्यकर्तियों ने पैसे देने से मना कर दिया उनको वो फर्नीचर वगैरह नहीं दिया गया, और 200 रुपया एमपीआर का फीडिंग लिया जाता है, और 400 रुपया कॉम केयर सेंटर की फीडिंग के लिए जो है ले रही है, यानी कॉम केयर वाला जो सेंटर है उसके लिए फीडिंग के बताओ पैसे लिए जा रहे, जिसका विभाग दे या उसका भी आंगनबाड़ी से वसूल लो, लिखा है, और पोषाहार के भी 300 रुपया ले लेती हैं। अब लोग हम लोग जो है इतना पैसा कहां से दें, क्या पूरा मानदेय इन्हीं को दे दें, मुखिया सेविका छाया साहू हैं महरौली ललितपुर उत्तर प्रदेश से। देखिए कड़वी सच्चाई, ऐसा है हमारा बाल विकास विभाग, और ऐसे है वहां पर 50,000 पाने वाले अधिकारी यानी सुपरवाइजर, और उनसे बड़े वाले सीडीपीओ, उनसे बड़े वाले डीपीओ। क्यों? क्योंकि आंगनबाड़ी की जब समस्याएं उठती हैं तो हर एक अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब आंगनबाड़ी बहनें कभी शिकायत लेकर के अपने अधिकारियों के पास पहुंचती हैं तो उल्टा उन्हीं के ऊपर हमारे बड़े बड़े अधिकारी कार्रवाई की धमकियां दे देते हैं, नोटिस निकाल देते हैं, बहुत सी बहनें डर के मारे अपनी आवाज ही नहीं उठा पाती हैं। लेकिन आपको सोचना चाहिए, सभी ब्लॉकों पर रहने वाली आंगनबाड़ी बहनों, यदि आप नहीं जागोगी, आप इकट्ठा होकर के इस शोषण के खिलाफ आवाज नहीं लगाओगी, तो आप यकीन मानिए आप अपना 5,000 पाने वाला मानदेय भी इन लोगों को लुटा दोगी, घर में भी है वो भी आप खेत पात बेच करके इनको लगा दोगी, पक्का बता रहे हैं। तो जो भी मर्जी आपकी है वो करो, हमारा फर्ज है आपको हिम्मत देना, समझाना, आपकी समस्या को यहां तक लाना। आगे चलते आपको बता दें, मैंने कहा था खुशखबरी देंगे, जमीर अहमद भाई है यानी सायमा बहन का एक मैसेज मेरे पास कल आया, आप लोगों को बता दें, ये देख लीजिए, उन्होंने भी कह दिया है कि उन्होंने भी रिट डाल दी है। देखो हमने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है 3 बिंदुओं को लेकर के, देखो बिंदु वगैरह भी नहीं बताएंगे वरना काफी लोग जो है यहां पर परेशान हो जाएंगे, तो हम बताना चाहेंगे। मैंने कहा था कि देखो जिससे जिससे लड़ना है वो लड़ रहा है, जिससे जिससे जो है जिसके साथ जाना है वो उसके साथ जा रहा है। हमने आपको सायमा बहन का नंबर भी दिया था, क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने कहा था कि जो भी होगा समय समय पर हम सब आपको बताते भी रहेंगे। अब देखो ये एक और मैटर है, ये उन्होंने जो रिट डाली है पहले वो बता दे कब पड़ी है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर 23/9/2020 ये नोटिस नंबर वगैरह पड़ा हुआ है, 29 जो है और 79/5 करके है, यानी 29/79/5, साथ ही ये देख लीजिए 24 तारीख को 24 जो है 9/2020 सीरियल नंबर भी पड़ा है, ये सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये सब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की तरफ से ये रिट डाली गई है। और आप लोगों को बता दें एक चीज याद रखना, ये कोर्ट में तो पड़ा, ये आपका लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई नहीं, ये सीधा हाई कोर्ट में है। अभी तक आपने देखा दिनकर जी ने जो डाली याचिका उस वो लखनऊ खंडपीठ में थी, यानी लखनऊ से सब लड़ा नारा दौरा था, यहां पर जो है वो हाई कोर्ट इलाहाबाद से सीधा डायरेक्ट है। तो आपको बता दें एक और बात कि अब यहां पर देखो बहुत सी चीजें हैं, जैसे हमारे दिनकर जी गए थे उनके पास कागजात ढंग से नहीं थे तो वो तो वापस आ गए, ये और जब मान लो 4 तारीख को सुनवाई दिनकर कपूर जी की जब लगी थी तो उनको क्या चाहिए था कि पहले से देखो तैयारियां होनी चाहिए थी, तो तैयारियां ना मिली जिसके कारण 4 तारीख की सुनवाई में जब फैसला आना चाहिए था तो वहां पर फैसले की जगह क्या मिला, तारीख। वो आपने सुना होगा तारीख पर तारीख पर तारीख, तो वही वाला सिस्टम। तो अभी आपने देखा 10 दिन का कोर्ट ने 4 सितंबर को जो है समय दिया था दिनकर जी को, उनका समय पूरा हो गया, आज आप देख रहे हो 4 सितंबर के बाद 10 दिन आप ऐड कर लो कितने हो गए, 14 तारीख, 14 के बाद भी आप 10 और ऐड कर लो एक्स्ट्रा हो गए कितने, 24, 24 के बाद भी आप ऐड कर लो आज कितनी तारीख है, 27। तो आप खुद सोचो इतने ज्यादा दिन बीत गए और अभी तक जो है अगली तारीख नहीं मिली है, कब कोर्ट में अगली सुनवाई लगी इसकी कोई जानकारी अपडेट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो कहने का यह मतलब है कि जो भी जाए तैयारियों के साथ जाए। कल आप लोगों को हमने एक और बढ़िया खुशखबरी ही दी थी, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ यानी गिरीश कुमार पांडे जी के यूनियन ने भी अपनी कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, उनकी सुनवाई लगी है 5 अक्टूबर को।
तो आगे आप लोगों को ध्यान देना है, अगली जो सुनवाई है वो किसकी है और कब लगी है। वो लगी है 5 अक्टूबर को, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की सुनवाई लगी है 5 अक्टूबर को। आंगनबाड़ी बहनों 62 वर्ष रिटायरमेंट के मुद्दे पर उनका तो ये भी कहना, पेंशन वैसे जैसे जो मुद्दे उनके चीजों को लेकर का, तो जो भी है फिलहाल के लिए जो सुनवाई में होगा वो देखा जाएगा। हम लोग समय का इंतजार करते हैं और समय के साथ ही जो चलता है वही आपको बताते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया को चाहिए सिर्फ सच्चाई। आगे बताते, देखो अब सायमा बहन ने भी जो है अपनी रिट वगैरह डाल दी है 24 में, तो आप लोगों ने देखा, मैंने आपको सब दिखा दिया। अब ये जो इसके लिए सुनवाई देखो कब लगती है, जैसे ही लगेगी आपको वो भी बताएंगे। और देखो एक बात और मैं क्लियर कर दूं, अन्य यूनियनों की गहराई की बातें जो है वो मैं तो बता नहीं सकता क्या सब मैटर चल रहा है उनका, लेकिन यहां पर सायमा बहन यदि कुछ करेंगी और कुछ आप लोगों के लिए अच्छा होगा तो हम आप लोगों को उम्मीद रखते हैं कि हमेशा की तरह जरूर बताएंगे, क्योंकि जब भी मानदेय की समस्या होती है मैं उन्हीं से पूछता हूं और वही जो निदेशालय बात करते हैं उसके बाद में जानकारी आपको दी जाती है। तो यूं हम कह सकते हैं कि एक हमें तो भरोसा है भाई उन पर, जो भी आगे वो करेंगी और सही सही हमको बताएंगे और हम आप लोगों तक जो है लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए देखो जीत जाए बस यही जरूरी है, कोई जीते या सब लोग जीते या कोई एक जीते, जीते उन फिलहाल के लिए और आंगनबाड़ी बहनों का भला हो। अब एक मुद्दा और कड़वी सच्चाई बता दे, शायद लोगों को पसंद ना आए लेकिन सच बोलना जरूरी होता है। देखो हो सकता है कि सिर्फ उन्हीं आंगनबाड़ी बहनों को इसका लाभ मिले जो यूनियन के साथ जुड़ करके अपने कागजातों को लगा करके जो गई हैं। देखो बहुत सी बहनों ने क्या सोचा कि पैसे खर्च ना करने पड़े और ऐसे डायरेक्ट यदि ऑर्डर आ जाएगा तो हमारी जेब से एक रुपया भी नहीं जाएगा और हम बहाल हो जाएंगी, तो शायद ऐसा ना हो पाए। रीजन बहुत कुछ है जिनके चलते मैं आप लोगों को समय समय पर अपडेट दे दूंगा। फिलहाल के लिए जानकारी यही थी, मैंने कई पोस्टें भी इधर उधर की पढ़ी हैं जिनमें लोगों ने यह कहा कि जो लोग जो है अपने कागजात लगा रहे हैं, जिनका पूरा बंच बन करके जो दस्तावेजों का जा रहा है, वो सब उन्हीं लोगों को शायद फायदा मिल पाए या उन्हीं का स्टे आ पाए या कुछ भी हो। यदि देखो ज्यादा प्रेशर बनेगा वहां पर, जितनी ज्यादा बहने हो जाती तो एक प्रेशर बन जाता पूरे यूपी में लागू करवाने के लिए, लेकिन क्या हुआ बहुत सी कम बहनों ने साथ दिया है सभी यूनियनों का, मैं सही कह रहा हूं, और उतने में मुझे नहीं लगता कि जो है पूरा एक शासनादेश निदेशालय से निकल जाए। निकल जाए तो अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं निकल जाए, लेकिन यदि आप सबने, हमने आप लोगों को उस टाइम कहा था, हजारों लाखों बहनों आप लोगों ने वीडियो भी देखे, लेकिन बहुत सी कम बहनों ने सपोर्ट किया। मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा सहयोग भी करना, अलग अलग जाओगी 10-10, 15-15 हजार आप पैसे लगा दोगी, इससे अच्छा है 1-1 हजार बहने सभी जो अपना मदद कर ले और अपने हक के लिए चली जाओ। 60 हजार से ऊपर आप सब बहनों हो, 10-10, 5 हजार भी बहने अगर एक एक यूनियन के साथ जुड़ गई तब भी काम हो जाएगा, आपकी जो भी समस्या है वो निपटारा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ ना, 200-400-300 जो भी बहनें होंगी बेचारी वही जुड़ी होंगी। अब ज्यादा ऐसे हम बात नहीं करने वाले इन मुद्दों पर, क्योंकि ये तो सब अपनी सोच का है। देखो हमारा काम है समझाना बताना, मैंने बताया, आपका काम है अपने हक के लिए अपनों का साथ देना, लेकिन जिन्होंने दिया उनके लिए अच्छी बात है। अब देखो ज्यादा बात करेंगे नहीं क्योंकि फिर आगे की खबरें बाधित हो रही हैं। बिहार सरकार की तरफ से 25 सितंबर का ये एक आदेश देख लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। 25 सितंबर परसों का लेटर निदेशक महोदय का है, आप देख सकते हो निदेशालय से ही यह जारी है बिहार सरकार का और सभी जिला जो है पदाधिकारियों का, यानी पूरे बिहार के सभी जिलों के लिए यह लेटर गया है कि पोषण माह के दौरान अति गंभीर जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी निगरानी और पहचान वगैरह करने के संबंध में आदेश निकला है। जैसा कि हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर एक राज्य, देखो जहां से खबरें नहीं आती वहां कर भी मैं बता दूं पोषण अभियान चल रहे हैं और उन सबकी बच्चों की अति जो कुपोषित वाले हैं गंभीर बच्चे उनकी निगरानी करने के लिए आदेश हर जगह है। इसमें लिखा हुआ 1-30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है, इस दौरान यह निर्णय लिया गया है कि बच्चों की वृद्धि निगरानी के लिए अभियान चलाकर आंगनबाड़ी के पोषक क्षेत्रों में आने वाली सभी लाभार्थियों में अति गंभीर कुपोषित जो बच्चे हैं उनकी पहचान कर उन्हें संदर्भ जो है सेवाएं प्रदान की जाए। इस कार्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रदान करते हुए सेविका द्वारा COVID-19 संक्रमण से बचाव हेतु सावधानियों को भी बरतना है, हाथों की स्वच्छता, मशीनों की स्वच्छता एवं शारीरिक दूरी का पालन भी करना है। अति कुपोषित गंभीर बच्चों की पहचान कर स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में पोषण पुनर्वास केंद्र या स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र वगैरह भेजा जाना है। वृद्धि निगरानी के क्रम में बच्चों का वजन, लंबाई, ऊंचाई, रिकॉर्ड ये सब आप लोगों को देखने हैं। ICDS कैश पर आप लोगों को इनको अपलोड भी करना है। ये सब चीजें यहां पर दी गई हैं, जैसा कि आप यहां पर अब नोट कर पा रहे होंगे। तो ये सब एक लेटर निकला है बिहार में। आगे देखो एक ये दो मैसेज हमारे पास सरकारी आदेश भेजे हैं, रवि यादव भाई जी हैं बिहार से, उन्होंने मुझे जानकारी भेजी है। आगे देखो कुछ और भी सच्चाइयां जो आप लोगों के काम आएगा, मैसेज क्या बहनों ने मुझे भेजे हैं। जैसे ये एक बहन अनीता दीदी
है उन्होंने भेजा है, आजमगढ़ वगैरह हिरौली वगैरह से है, तो उन्होंने लिखा है भैया जी आपने जो खबर सुनाई हमारे यहाँ जो है भी आज आदेश वगैरह आ गए हैं, अभी आदेश आपको हम बताएंगे। ये देखो गुड आफ्टरनून भैया अनिता देवी, और उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य अहिरौली आजमगढ़ भाई हमारे यहाँ एनएम ने ये जो है दवा दे दी है भाई, और हमारे यहाँ जो आशा बहन है नहीं तो सारा काम हम ही को करना पड़ता है। तो ये देखो उन्होंने बताया ये सब आदेश उनके वहां पर भी निकलने लगे, मैंने ये सब आदेश आप लोगों को पूर्व के वीडियो में दिखा दिया। कल देखो दोपहर का वीडियो बहुत जरूरी, उसमें मैंने 10 सरकारी आदेश लगाए, शाम का वीडियो उसमें मैंने 5 सरकारी आदेश लगाए, कल शाम का वीडियो बहुत जरूरी था, जिन्होंने देखे हैं उन्हीं को पता है। इसलिए देखो अब हम ज्यादा थंबनेल पर लिखना लिखना पसंद भी नहीं करते हैं, टाइटल में भी सिंपल लिख देते हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायक का मिनी बहनों, और आज जैसे तारीख आपकी 27 सितंबर सुबह इतने बजे की खबरें देखना ना भूले, जिसकी मर्जी देखे जिसकी मर्जी ना देखे, हम भैया रोज आप लोगों को खुशखबरी भरा या ऐसा वैसा लिखे तो फिर फायदा ही क्या है। देखो जिसको टाइम निकाल करके देखना है वो देखेगा। तो आगे देख लीजिए ये कुछ सरकारी आदेश थे मैंने बताया था पूर्व में, अब देखो अब बहनों के वहां जारी हो गए। अब देखो कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो मैसेज गलत करती हैं, कहने का मतलब तरीके उनके सही नहीं है। अब देखो ये एक मेरे पास मैसेज आया है, इन्होंने लिखा है क्या भाई जौनपुर जिले का मानदेय भाई मेरा कोई नहीं भाई, मैं मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं भाई। अब देखो ये एक एक मैसेज एक एक शब्द का एक एक मैसेज भाई, इससे बहुत परेशानी होती है बहनों। आपने तो एक भेजा तुंड से फोन हमारा जो है वाइब्रेट हुआ, फिर आपने एक पुट से भेज दिया लिख करके, ऐसे बहुत समस्या होती है, ऐसे हमें काम करने में दिक्कत सब दिक्कतें होती हैं, और ऐसे क्या मतलब है इसको क्या इंसान समझेगा। लिखा मेरा कोई नहीं है भाई, मैं मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं भाई, मेरा कोई पति नहीं है भाई दुनिया में। अब बताओ बहन हम ये सब ऐसे नहीं चलता है, मैसेज जैसे लिखे जाते तरीका सीखो पहले लिखने का। अब एक ये बहन है इन्होंने भेजा, अब बताओ इनका हम क्या दिखाएं, एक फोटो भेजी है वो भी सीधी नहीं भेजी है, उल्टी उल्टी फोटो बहन ने भेज दी है, ऊपर से इसमें फोटो के साथ अपना नाम वाम भी लिख करके नहीं भेजा, और बहन है चार फोटो इन्होंने भेजी है अपना नाम लिख करके नहीं भेजा। एक तो कहते हैं कि सिर्फ एक फोटो भेजो, और इन्होंने देखो वो भी पालन नहीं किया, चार फोटो भेज दी। अब ऐसी जो भी फोटो आएंगी गलत मैसेज होंगे जो पढ़ने लायक नहीं है, या जिनमें नाम नहीं है, या जो एक से ज्यादा फोटो होंगी। अब आगे देख लो जैसे ये एक मैसेज आया हुआ, इसमें देखो फोटो तो सही है लेकिन फोटो बहुत ज्यादा है, यानी चार फोटो है, नीचे नाम भी देखो लिख दिया गया है। तो हम वही बताना चाहेंगे वाराणसी के कोटवा वगैरह से हैं। साथ ही देखो एक और ये बहन है उन्होंने भेजा, अब इन्होंने देखो दो दो फोटो भेज दी, मानते हैं दोनों अलग है, ऊपर की अन्नप्राशन की है नीचे की गोद भराई की, लेकिन ऐसे यदि आप अन्नप्राशन गोद भराई वजन लंबाई ऊंचाई ये सब करेंगी और 10-10, 5-5 फोटो भेज देंगी तो बहनों हमें यही दिखाने में हमारा पूरा समय चला जाएगा ना। तो इसीलिए कहता हूं यदि भेजना भी है तो एक भेजो, वो भी डेली मत भेजो ना, क्योंकि ये जो काम है गतिविधियां ये हमें नहीं चाहिए, ये आपको जहां चाहिए वहां पर आप डालो। जैसे ICDS क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड करना है तो वहां फीड करो, वहां करोगी तो आपका काम माना जाएगा, हमें भेजोगी ऑल इंडिया पर आएगा तो वो किसी काम का आपका नहीं रहेगा, याद रखना। ये आपको खुशी देगा बस और बाकी कुछ नहीं, ये काम किसी नहीं आएगा आपका, तो जो करना है वो अच्छा करो आप, ये सब चीजें इतनी इतनी मत भेजो। आगे देखो एक और जैसे बहन आई, ये इन्होंने भेजा है मंजू बहन है, इन्होंने देखो दो फोटो एक ही टाइप की भेज दी, ये भी गलत है, जब एक है तो एक ही भेजो, दो की क्या जरूरत है। ये इससे पता चलता कि ये बहनें वीडियो शायद नहीं देखती हैं, नियमों का पालन नहीं करती, जो कहा जाता है उसको जो ये नजरअंदाज करती हैं और अपनी मनमानी करती हैं, हम ये साफ शब्दों में मान सकते हैं। देखो ये एक बहन है इन्होंने भेजा है और ये गोंडा यूपी से है, तो हम बता दें आपको जैसे ये बहन जो है तो इन्होंने देखो भेजा ठीक है, लेकिन अब यहां पर ये जैसे एक बहन है, ऐसे आप जानते हो हजारों बहनें हैं, यदि हर कोई बहन डेली की अपनी फोटो भेजेंगी तब भी हमारे पास फोटो का भंडार हो जाएगा और हम खबर दिखाएंगे कि आपके लोगों की फोटो गतिविधियां दिखाएंगे। तो समझने लायक बात है, इसलिए मैं कहता रहता हूं गतिविधियों की फोटो भाई जो पढ़े लिखे हो समझने लायक हो कम से कम आप लोग बंद कर दो, तब भी कम से कम थोड़ा भला हो जाए। लेकिन अब देखो यहाँ पर एक शकुंतला देवी बहन है उन्नाव से, उन्होंने फोटो बढ़िया बना करके भेजी है। देखो कभी कभी भेजो तो ठीक है, मतलब 7वें दिन 10वें दिन 15वें दिन तब ठीक है, लेकिन आप डेली भेजना, कुछ लोग स्टार कुछ लोग तो सुबह भेजेंगे दोपहर भेजेंगे शाम भेजेंगे, मतलब भेजते ही रहेंगे भाई। खबरें देखो जो आपके काम आए, ये फोटो वोटो काम नहीं आने वाली किसी के। अब देखो एक और ये बहन है उन्होंने मुझे ये काफी फोटो भेजी है, ये आप देख सकते हो फोटो उन्होंने भेजा है पोषण अभियान की, काफी अच्छा कार्यक्रम मनाया गया, बच्चों के हाथों पर मेहंदी वगैरह लगाई गई, यहाँ पर भी पोषण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया, अच्छी बात है। आगे देखो एक और ये लगा हुआ है, यहाँ पर भी काफी लोग बैठे हुए हैं और पोषण कार्यक्रम मनाए गए हैं। साथ ही एक उन्होंने ये भी भेजा है रूरा वगैरह से है, पौष्टिक आहार से जो है दूर होगा कुपोषण, इसके बारे में वहां पर जानकारियां दी गई है। तो रूरा है दरअसल बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, सितंबर में पोषण माह मनाया जा रहा है, झिंझक वगैरह ब्लॉक पड़ता है देवकीपुरवा गांव में प्राथमिक विद्यालय पर यह सब मनाया गया, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बता दें देखो ऐसे कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब इन्हीं कार्यक्रमों को यदि हर आंगनबाड़ी बहन चाहेगी कि ऑल इंडिया पर आए
तो बहनों ये संभव पूरी तरीके से नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो हम ये दिखाएंगे तो आपको खबर कब दिखाएंगे। इसलिए मेरा मानना है पहली बात तो मैसेज करो तो व्यर्थ वाले ना करो, जैसे गुड मॉर्निंग या कोई फोटो, ये सब जो लोग भेजते हैं भाई इन चीजों को बंद कर दो। कारण कि देखो एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है मेरा जो है, इसीलिए हम आप देखते हो कभी हम अपनी फोटो भी जो है कभी भी डालते नहीं स्टेटस पर, या कुछ भी कुछ मन करे मतलब हंसी मजाक का वो भी हम नहीं डाल सकते। कारण अगर हम कुछ डाल देंगे तो लोग उस पर कमेंट करेंगे। मान लो कोई हंसने वाली चीज है तो हंसने वाला कमेंट, अच्छा है तो बहुत अच्छा लिखेंगे यार वेरी नाइस, मतलब ये कमेंट भी लोग करेंगे। अब वो कमेंट मेरे पास बढ़ते जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप पर तो कम से कम 8-10 हज़ार लोग जुड़े हैं। अब ऐसे में यदि कोई उसमें से मान लो 10-20% भी मैसेज कर देगा, 1000-1500 लोगों ने कर दिया तो हमारा तो काम हो गया सुबह से शाम तक का खाने पीने का, कि अब हमारा खाना अलग रखा रहेगा, हम उसी मैसेज का रिप्लाई करें या उसको रीड करें या पढ़ें या फिर उसको डिलीट करें। क्या करें, रीड करें पढ़े ना डिलीट कर दे बिना रिप्लाई दे तो लोग कहेंगे देखो ये रिप्लाई ही नहीं करता है। मतलब समस्या है, इनको समझो और देखो हम स्टेटस पर डालते हैं वो आपके काम के लिए है तो उसको बस यूज में लाओ। जब हम कुछ पूछे तो पहली बात व्हाट्सएप पर हम डायरेक्ट पूछते नहीं कि आप यही हमको जवाब दो, हम पूछते हैं तो कमेंट में। कारण कि हम चैनल पर यदि कमेंट पूछते हैं तो आप लोग कमेंट में करते हो, चाहे जितना लिख दो कमेंट में, चाहे 100 करो या 200 कमेंट करो कोई दिक्कत नहीं है। कारण कि यहां पर कुछ बाद में डिलीट करने वाला जैसा नहीं है, आपका हर कोई कमेंट भी पढ़ लेगा और ऊपर से जो है हम पढ़ लेंगे उसके बाद जो है लाइक कर देंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्हाट्सएप पर मोबाइल हैंग करता है, तमाम दिक्कतें हो जाती हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूं थोड़ा तरीका बदलो और